हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हम पौधे तो हम देखिए सभी खरीद रहे हैं। मैं बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पढ़ रही हूँ कि किसी ने ये पौधा खरीदा, बड़ा अच्छा लगता है। तो पौधे तो हम सभी खरीद रहे हैं, बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पौधा तो हमारे घर पर आ गया है, बट अगर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हमारा पौधा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि पौधा खरीदने के बाद, चाहे आपने ऑनलाइन खरीदा, देखिए विशेष तौर पर मैं ऑनलाइन की बात कर रही हूँ क्योंकि जनरली हम वहाँ से लाते हैं तो फिर भी पौधा थोड़ा ठीक आता है, या जब हमारा पौधा काफ़ी दिन ट्रैवल करके आता है। तो आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं भी फॉलो करती हूं। यानी कि अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि फ्रूट प्लांट की शॉपिंग की और उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखती हूं हमेशा जब भी लगाती हूं, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी कुछ ना कुछ नया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यह पौधा खरीदे, आम के पौधे खरीदे हैं तो आपके साथ शेयर किया था, ये बनाना मैंगो है और मियाजाकी जैसे मैंगो है। तो इन पौधों, कोई भी पौधा खरीदे, ऐसा कुछ नहीं कि जो भी फ्रूट प्लांट्स आपने खरीदे हैं ना, उनके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, जैसे ही हमारे पास हमारी डिलीवरी इनकी प्लांट्स की हुई है तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले इन पौधों को ओपन करना है। जैसे ही आपके पास आएगा, मे बी रात को ही आपको प्लांट डिलीवर होते हैं या शाम को, जिस भी टाइम पर डिलीवरी होती है, आपको सबसे पहले काम करना है अपने इस ओपन, जो भी आपके पास प्लांट्स, तो ओपन कर दीजिए उसको और उसके बाद एक बार प्लांट्स को अच्छे से जो है शावर कर दीजिए, यानी कि पानी का बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी जो इसकी है उसकी मिट्टी में भी पानी आपको डालना है, यानी कि आपको देखना है कि मिट्टी नीचे से सूखी तो नहीं है। इस तरीके से देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको जब पौधे दिखाए थे तो ये टेप से बंद थे, यानी कि इस पर पूरी तरह से पॉलीथीन कवर थी और पूरी तरह से वो लोग सील कर देते हैं, वो सेफ्टी की वजह से करते कि हमारा रूट बाउंड हिले नहीं। तो ये जो सारा काम वो करके भी उसे आपको पूरी तरह से ओपन करना है एकदम से, क्योंकि देखिए प्लांट जो है काफ़ी ट्रैवल करके आते हैं, काफ़ी दिनों से जो हैं ये बंद रहते हैं, तो इन्हें ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सब टेप वगैरह हटा देंगे, शावर कर दीजिए और फिर इन्हें आपने छोड़ दीजिए। इन प्लांट्स को आपको कम से कम 6 से 7 दिन, या देखिए मौसम में भी अच्छा है तो 5 दिन तो कम से कम आप मान के चलिए। ये नहीं आपने पौधे आए, नेक्स्ट डे आपने पौधे लगा दिए, बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने कलकत्ता से पौधे मंगाए, आप कहीं और से भी मंगाते हैं, तो पौधा ट्रैवल करके आ रहा है, एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा चेंज होता है। आप सोचिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ या आप जहाँ भी जो रहता है, तो जब ट्रैवलिंग करके प्लांट्स आते हैं तो उसको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। देखिए जैसे मेरा पूरा टेरेस गार्डन है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखिए जैसे हमने जब शावर कर दिया था ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही ना टेरेस पर प्लांट को नहीं छोड़ देना है कि आपने ऐसे ही बस टेरेस पर खुला छोड़ दिया अपने पौधों को। रात में देखिए कभी आंधी चली, तूफान गिरी, और साथ ही साथ ये प्लांट ऐसे जब हिलेगा ना तो हमारा पौधा ख़राब हो सकता है, रूट बाउंड बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अक्सर मैं जो है बकेट का यूज़ करती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये बकेट्स हैं और इसके अंदर मैं रख देती हूँ, चाहे आपके पास गमला हो, जिसमें भी आप, जो भी आपके पास हो, उसमें जब आप एक साथ सारे पौधों को रख देंगे ना, उससे क्या होगा, सारे प्लांट्स एक साथ रखे रहेंगे और बस एक साइड में अपने गार्डन में इन्हें रख दीजिए और 5 से 6 दिन रेस्ट करने दीजिए। देखिए मैंने मियाजाकी मंगाया था, अब जब मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया था तब मैंने आपको प्लांट दिखाया था, थोड़ा सा आगे से डैमेज सा भी हो गया था और अब आप देखिए बिल्कुल एकदम से प्रॉपर ठीक हो गया है और अभी लगाने के लिए मेरे पौधे बिल्कुल रेडी है। तो इसलिए आपको ये काम करना है। देखिए फिर से आपने जब देखा था ना, थोड़ा सा हल्का सा डाउन प्लांट हो जाते हैं, जब कितने ही अच्छे से पैकिंग होके आती है उनकी, अब देखिए बिल्कुल हरा भरा हो गया है पौधा। तो अब इसे आप जो है, मैं इसको जैसे भी लगाऊंगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस बकेट में या गमले में सेफ्टी के साथ अपने पौधे को रख दीजिए। आ देखिए बारिश भी इन दिनों में काफ़ी चलती है, तो तेज़ बारिशों से भी पौधे हिलने डुलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो रूट बाउंड थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है, बट ऐसे रखेंगे तो आपका प्लांट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हमारे पास पौधे आते हैं ना, तो देखिए इनका हमें ना ये सॉइल चेक करनी है कि इसकी सॉइल कैसी है। जैसे कि मेरी ये सॉइल ना चिकनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है, तो हमें एक काम करना होगा कि बहुत ज़्यादा चिकनी आपकी मिट्टी है तो आपको इसे हाथों से खुरचना नहीं है, इसे पानी में आप डिप कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए एक बकेट लीजिए और उसको पानी में रख दीजिए, थोड़ा सी देर में ये रूट बाउंड ना ढीला हो जाएगा और उसके बाद आप पौधे को लगाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में आपने पौधा लगा दिया ना, अभी तो देखिए लग जाएगा, पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा
सारा कुछ आपका एक साल हो सकता है वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन बाद में अगर कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो वो पौधा ख़राब हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसे बदल दीजिए, और रेड सॉइल है उसे तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए। और मिट्टी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वैसे ही करिए। बिल्कुल भी खुरच के मिट्टी को नहीं निकालिए, आपने पौधे को निकाला और साइड से मिट्टी निकाल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस पानी में लीजिए, एक बकेट लीजिए उसमें, और आपको देखिए ये जो है ना पॉलीथीन, इसको कैंची से खोलना है। कभी भी गलती मत करना कि आप ऐसे ही बस निकाल देते हैं, क्योंकि एक बार मुझसे मिस्टेक हुई थी, क्योंकि मेरी उसमें सैंडी सॉइल थी, तो सैंडी सॉइल होती है अगर आपने उसको निकाला, ये तो रूट बाउंड निकल जाएगा, बट लेकिन कई बार क्या होता है रूट बाउंड डैमेज हो जाता है, इसलिए आप इसे यहाँ से सीजर से काटें। देखिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये काम आपको ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि प्लांट है और यहाँ पर इसमें ग्राफ्टिंग हो रही है, देखिए ये अगर किसी आप जैसे कि पौधे आए, हमने देख लिया, ग्राफ्टिंग एरिया को अच्छे से चेक कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है तो उस पर आप फंगीसाइड लगा दीजिए। थोड़ा सा आपने फंगीसाइड लगा दिया, और फिर देखिए कई बार क्या होता है, आप मैंने एक दो बार मेरे पौधे आए हैं मैंने, या मैं लोकल नर्सरी से भी लेकर आई हूँ, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से कोई भी ब्रांच निकल रही है उसे रिमूव कर दीजिए। इस काम को करना बहुत 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 ज़रूरी है। ग्राफ्टेड नीचे के नीचे से कोई भी ब्रांच अगर आपकी निकलती है तो उसे अलग कर दीजिए, वरना क्या होता है, जो ये सीड पे लगा हुआ पौधा होता है ना, वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और ऊपर वाला प्लांट हमारा कमज़ोर हो जाता है, और कई बार क्या होता है ये प्लांट डेवलप हो जाता है, ऊपर वाला सूख जाता है, और यानी कि हमने इतना महंगा पौधा ख़रीदा और बीज वाला पौधा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ग्राफ्टेड पौधा है, सबसे पहले अगर लोकल नर्सरी से आप ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ग्राफ्टेड एरिया से नीचे कोई ब्रांच तो नहीं निकल रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि ग्राफ्टेड एरिया बिल्कुल ठीक है नहीं। इस पर जैसे कि पॉलीथीन, देखिए आम के पौधों में अक्सर पॉलीथीन कम ही आती है, अगर पॉलीथीन लगी हुई है तो आपको उसे नहीं हटाना है, आपको महीने डेढ़ महीने दो महीने आप देखिए प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो गया, उसका ये स्टेम अच्छे से डेवलप हो गया है, उसके बाद ही जो है आपको उसको। फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी आप इस पर जो आपके आती है पॉलीथीन बंधी हुई, उस पर आपको क्या करना है, उसको एक शार्प जो चाकू होता है हल्की सी उसकी हेल्प से फिर उसको हटाना है, लेकिन लाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं हटाना है। जब पौधा आपका थोड़ा अच्छे से डेवलप हो जाए आपको तभी उसे रिमूव करना है, ये चीज़ों का आपको ज़रूर। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो मैंने आपके साथ पॉट तो शेयर किया ही, आपको पॉट कैसे लगाना है, तैयार करना है, होल ज़्यादा करने हैं, वेल ड्रेन, आपको सॉइल प्रिपेयर करनी है, और जैसे ही आप पौधा लगा रहे, देखिए हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कि जब पौधा आप लगा रहे हैं, आपने पौधे को अच्छे से लगा दिया, उसके बाद एक स्टिक का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो चीज़ें कि मैंने अभी केसर मैंगो और जो मेरा बेर का प्लांट था वो मैंने लगा दिया है, और उसको देखिए हमेशा एक स्टिक का सपोर्ट आप उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आंधी आती है, ये जैसे कि हमारा ये है, देखिए प्लांट बहुत हल्का हो जाता है, हमें मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर भी करती हूँ, टेरेस गार्डनिंग कर रहे थे कि स्टिक के सपोर्ट से आंधी तूफान आए, तो क्योंकि जब नया पौधा होता है ना तो वो क्या होता है, उसका रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हिलेगा, बार बार हिलेगा तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे बिल्कुल स्टेबल कर दीजिए। दोनों साइड आप स्टिक लगा देंगे तो प्लांट स्थिर हो जाएगा, फिर आंधी तूफान कुछ भी आए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसे पतले धागे से, जैसे कि हम स्टिक को जब बांधते हैं तो पतले धागे से नहीं बांधना है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी ये पौधे लगाए हैं, इसको धागे से नहीं बांधना है, इस तरीके की मोटी रस्सी हो गई, यहाँ पर देखिए बेर के लिए मैंने इसे सपोर्ट दे दिया है, ये काम आपको करना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी, जैसे कि मैंने प्लांट्स लगा दिए, प्लांट्स लगाने के बाद आपको उसको कम से कम एक वीक सेमी शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में लेकर नहीं आना है उसको, कुछ टाइम जब उसमें अच्छे से आपको लगे हाँ प्लांट हेल्दी हो रहा है और कुछ उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तब आप उसे, फ्रूट प्लांट है, फुल सनलाइट में आप लेकर आ सकते हैं। ये बहुत चीज़ें काम की हैं, इनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और डालती भी हूँ कि अगर ये छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी पौधों में लगाने में, ना ही वो प्लांट्स आपके कभी भी मरेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर कर रही हूँ, जब भी फ्रूट प्लांट लगाएं, यानी कि जब भी आप पौधे को लगा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैंगो का एक वीडियो लेकर आऊँ फिर से लगाने का उसको, यानी कि जो मियाँ जाकी और मेरा जो पौधे बच रहे, केसर मैंगो तो मैंने लगा दिया है, तो उसको लगाने के तुरंत बाद में एक ऐसी चीज़ डालती हूँ अपने प्लांट्स के अंदर कि मेरा प्लांट शॉकिंग में नहीं आता, और वो है एप्सम साल्ट। 1 लीटर पानी लीजिए, 5 ग्राम की मात्रा पानी में डालिए, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल, बहुत महंगा फर्टिलाइज़र नहीं आता है,
फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो इसे अपने पास ज़रूर रखिए। मैं बार बार शेयर करती हूँ, मुश्किल से 60 रुपये किलो, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है। 1 किलो ख़रीद लिया, आधा किलो का पैकेट ले लीजिए आप, बहुत सालों चलता है। फ्रूट्स में डालिए, वेजिटेबल्स में डालिए, सबके लिए। जो फ्रूट्स की हमारी मिठास होती है ना, इसी की वजह से बहुत शुगर कंटेंट को काफ़ी एनहेंस करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, मैंने कहा भी था कि आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर खरीदिए, और मुझे भी कुछ शॉपिंग हालांकि करनी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट को देंगे तो बिल्कुल शॉकिंग में नहीं आएगा। तो ऑनलाइन पौधे खरीदने के बाद अगर आपके पौधे मर जाते हैं तो कभी भी नहीं मरेंगे, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। बस छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ जो फॉलो की हैं, सॉरी जो बताई है, उन्हें आप फॉलो कीजिए। मैंने देखिए ये सब काम मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, सारी टिप्स भी छोटी छोटी बताती हूँ ताकि हमारे प्लांट हेल्दी रहें। बहुत अच्छा टाइमिंग है, बहुत सारे पौधे लगाई, देखिए मेरे पास तो जगह बहुत कम है और ऑलरेडी मैं बहुत फ्रूट प्लांट लगा चुकी, तो कोशिश करती रहती हूँ कि जगह हो, मेंटेन करूँ उसको। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।